देखो अब तो मैं तो आया दीप जला के जा रहा हूँ और मुझे क्योंकि दूसरा कार्यक्रम है वहाँ जाना है क्योंकि यहाँ मैं स्वामी जी के प्यार और मोहब्बत और मैगजीन के 10 साल पूरे हुए जो ट्रेड से बिलोंग करते हैं या ट्रेड के लिए कुछ काम करते हैं उसके लिए मैं हमेशा साथ देता हूँ क्योंकि मेरी ट्रेड जो है वही मेरा जीवन है और वही मेरी जो ना खाना है वही मेरी मैंने कहा ना अचीवर कहीं के भी हो अंधेरे से उजाले में जब तक आएंगे तो उनकी पहचान बनती है और ये किसी भी माध्यम से किसी भी रूप में अवार्ड होते हैं किसी की रिकग्नाइजेशन करते हैं जिसकी जितनी पहुंच होती है वहां तक पहुंचता है तो मुझे लगता है जहां लोगों की रिकग्नाइजेशन हो वो होनी चाहिए और ज्यादा होनी चाहिए जितना करो उतना कम है डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं लेकिन कॉमर्शियली जो है सैटेलाइट पे या टीवी पे जो है बहुत कम होते हैं जिसमें स्टार्स होते हैं बट ये है इंटरनली ऑन द कंट्री इफेक्टिव अवार्ड्स है जिसकी वजह से जो है लोग पॉपुलर होना बहुत नाजिब होते हैं देखो ये सब हौसला अफजाई वाली बातें हैं ये होते रहना चाहिए अगर अच्छे काम करने वालों को अवार्ड तो पब्लिक दे देती है प्यार दे देती है तो कुछ संस्थाएं भी देती हैं और फिल्म स्टूडियो तो कमाई उनकी यहीं से इंडस्ट्री से तो उनका भी फर्ज बनता है जब साल भर इनके विज्ञापन देते हैं फिल्म की एड देते हैं तो एक दिन इनका सम्मान बढ़ाना चाहिए रही बात मेरी मैं छोटे से गांव से चला मेरा अंदाज पसंद आया लोगों को तो मैं इस इंडस्ट्री में मेरी भी छोटी सी एंट्री हो गई छोटे स्क्रीन पे कुछ शोज़ किए फिर बड़े स्क्रीन पे बॉम्बे टू गोवा की और अभी एक बड़ी धार्मिक महिला के साथ काम किया था सन्नी लियोनी के साथ एक पहली लीला बहुत अच्छी फिल्म थी लोगों ने जिसने भी देखा मुझे पसंद किया और बहुत जल्दी मैं 14 फिल्में कर चुका हूँ बस दुआ करो रिलीज हो जाए चेक तो बाउंस हो गए बोलना नहीं चाहिए लेकिन उम्मीद है कि फिल्म रिलीज होगी तो पैसा मिल जाए कामयाब होना तो बहुत अच्छी बात है लेकिन आज के दौर में कामयाबी के लिए जो लिमिट लोग क्रॉस कर रहे हैं किसी भी हद तक जा रहे नहीं वो गलत है ईमानदारी से काम करते रहो एक ना एक दिन आपको मंजिल मिलेगी शर्त है ईमानदारी और किसी भी हद दर्जे पे गिरेंगे तो वो लंबी रेस के घोड़े नहीं होते जी आपको भी इंडस्ट्री में मालूम है और हमको भी मालूम है किस किस ने क्या क्या किया और अब घर बैठ गए अब लोगों को ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ है जो कल छाए रहते थे टीवी पे तो ईमानदारी ही टिकती भाई सनी लियोनी के साथ काम किया अब कौन सी एक्ट्रेस के साथ काम करें फ्यूचर में कुछ बताइए नहीं देखो जो प्यार से बुलाएगा उसमें जाएंगे लेकिन अब एक्ट्रेस तो सब अच्छी भैया सब काम कर रही हैं लोग पसंद करते हैं लेकिन अगर हीरो बोलो तो टॉप 10 हैं लेकिन इनकी नज़र हम लोगों पे नहीं पड़ती सलमान जी शाहरुख जी अक्षय कुमार जी आमिर जी टॉप 10 ऋतिक जी इन लोगों की फिल्म में कॉमेडियंस की ज़रूरत ही नहीं है ये खुद कॉमेडी कर लेते हैं खुद ही फाइटिंग कर लेते हैं तो ये सिलसिला थोड़ा सा बिगड़ गया है सुधार लो भाई कॉमेडियंस की भी अपनी रोजी रोटी है गाने आने गाने वाले अलग होते हैं सिंगर तो उनसे गवाओ लिखने वाले अलग होते हैं उनसे लिखवाओ तो ये फैक्ट्री है इसमें सब काम करते सबकी रोजी रोटी चलने दो जैसे पहले महमूद साहब सेपरेट अपना कॉमेडी करते थे उनको एक हीरोइन मिलती थी एक गाना मिलता था जॉनी लीवर साहब तक ये सिलसिला चला राजपाल यादव ने अच्छे दिन देखे लेकिन अब के कॉमेडियंस को मजबूरी पे फिर अपने शो लाना पड़ता है जैसे कपिल ने लाया तो फिर ये लोग इस स्क्रीन पे आके अपनी फिल्म का ऐड करते हैं तो बस जी किन के काम को भी हर सरकार अपने ढंग से काम करती है मोदी जी की अपनी प्लानिंग अभी तो प्लानिंग उनकी ये है कि विदेशों से जोड़ो सबको जोड़ो अब ये जोड़ने में लगे हैं फिर जा रहा फंड जमा हो जाएगा तो फिर काम करना शुरू करेंगे काम हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है लेकिन बहुत हाँ मैं संतुष्ट हूँ काम अच्छा हो रहा है और अभी तो कुछ साल और बाकी है और इतना भारी बहुमत से जिताएं तो उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए अच्छा ही होगा थैंक यू वेरी मच सर एक आइडिया